Hello everyone, today we'll discuss how to score 160 plus in physics through NEET 2025 booster series जो हम आपके लिए लेकर आए। अब first of all physics का basic mind map समझो कि आपको किस तरीके से preparation करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, जिससे आप कम टाइम में 160 प्लस तक अपना स्कोर लेकर आ जाओ। सबसे पहले आपको ये सब चीजें नहीं चाहिए हैं फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए या फिर फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आपको ये चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आपको पहली चीज तो पूरा का पूरा सिलेबस नहीं कवर करना है, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ने की कोई नीड नहीं है कि बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ना है, एंड आपको 10 घंटे पर डे देने की कोई नीड नहीं है, उससे कम में भी आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने भी अपने टाइम पे किया है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए एक रिवीजन स्ट्रेटजी, ठीक है, एक अच्छा रिसोर्स, मतलब ये नहीं कि आप कोई भी बुक से कैसे भी पढ़ रहे हो, जो कि अभी आपको मैं आगे बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये मेन है। अगर आपको फिजिक्स में सच में आपको अपनी फिजिक्स इंप्रूव करनी है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं सबसे पहले की पॉइंट पे, बेसिक्स। अब सब बोलते हैं कि फिजिक्स को बेसिक्स से शुरू करो, बेसिक्स करना है, बेसिक्स करना है, तो ये बेसिक्स है क्या एक्चुअली, और मैक्सिमम टीचर्स आई डोंट थिंक सो कि वो बेसिक्स आपको पढ़ाते भी हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स में आपका आता है यूनिट कन्वर्शन, जो कि लाइक ऐसे होता है कि मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना, या आवर्स को सेकंड। ये बहुत बेसिक चीज है, आई गेस कि ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं आती है और वो इन्हें बिना सीखे फिजिक्स को करना शुरू करते हैं, आई गेस धीरे धीरे सीख भी जाते हैं, बट इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से ही करना सीखो उनको। तो यह होती हैं बहुत ही बेसिक चीजें जो फिजिक्स में आगे बहुत काम आती हैं। देन आती है बेसिक मैथ्स, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, या फिर बेसिक मैथ्स में अगर हम बोले तो प्लस माइनस, एलसीएम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, तो ये सब आता है बेसिक मैथ्स के अंडर। देन न्यूमेरिकल सॉल्विंग, बहुत सारी ट्रिक्स होती है, क्योंकि आपको पता है नेट में एक क्वेश्चन करने के लिए आपको एक मिनट लगता है, जो बड़ा मेथड होता है उसको सॉल्व करके तो आप कर नहीं सकते एक मिनट में, तो आपको क्या चाहिए, छोटा न्यूमेरिक मेथड चाहिए जिससे आप न्यूमेरिकल इजिली सॉल्व कर सको, ट्रिक्स होती हैं तो वो भी आपको पढ़ाई जाती हैं। देन आता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बेसिक्स आते हैं। 11th की स्टार्टिंग में ही आपको ये सब सिखाया जाता है, बट आप फ्रेशर होते हो तो आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, तो ये सब आते हैं बेसिक्स के अंडर, जो कि फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने आपके लिए कवर किया है एंड आगे चल के भी हम कवर करेंगे। तो जो सीरीज मैं लॉन्च करने वाली हूँ उसको मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी, इस तरीके से स्टार्ट करूंगी कि ये सोच के कि मैक्सिमम बच्चों को जो नहीं आता वहां से, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो आपको जो मैक्सिमम चीजें हैं वो क्लियर होती चले जाएंगी। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगी मैं, ये सब चीजें उसमें क्लियर होंगी, ये सब चीजें आपकी जो फिजिक्स का बेस बनाती है, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, वो सब उसमें इंक्लूड होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो क्या करते हैं थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस उनका रह जाता है, तो ये मेनली मैक्सिमम बच्चे लैक करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो बिल्कुल नहीं करते हैं, उनको डर लगता है फिजिक्स से। तो हमें क्या करना है, अगर आपने किसी चैप्टर को पढ़ लिया है तो 100 से 200 क्वेश्चन पर चैप्टर उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर कोई टॉपिक आपका वीक है तो उससे जितने क्वेश्चन आप हो पाए उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब जो सीरीज में लॉन्च करने वाली हूँ उसमें क्या होगा कि मैं फुल सिलेबस उसमें आपको कवर कराऊंगी, जितना सिलेबस 160 प्लस मार्क्स लाने के लिए इनफ होता है उतना सिलेबस मैं आपको उसमें कवर कराऊंगी, तो उसमें जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, क्लास में बैठा के आपको मैं सोल्व कराऊंगी, प्लस डेली डीपीपीज वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, रोज के रोज डीपीपी, एंड नेक्स्ट डे आई विल बी अपलोडिंग देयर सॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में जितने क्वेश्चन सोल्व करो उतने क्वेश्चन कम होते हैं, जितने हो पाएंगे हर चैप्टर से उतने क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगी। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की नीड नहीं है, आपको एनालाइज करना है कि कौन से चैप्टर से किस साल में कितने क्वेश्चन आए, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना सिलेबस कवर करना शुरू करो। यू डोंट नीड टू कवर द होल चैप्टर्स। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत वास्ट है और उससे कितना आता है नीट में, एक क्वेश्चन आता है सिर्फ, और एक क्वेश्चन के लिए आप पूरी इतनी बड़ी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने लगते हो शुरुआत में, मेन चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गए, जैसे कि आपके मॉडर्न फिजिक्स हो गए, उन सबको आप छोड़ देते हो, आप क्या पढ़ना शुरू करते हो फ्लूइड। तो ये क्या वर्थ इट, आप खुद सोचो कि क्या एक क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स उठा के पढ़ते हो, उसमें क्वेश्चन लगाते हो, तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, अपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करो, एंड वो मैं आपके लिए करके दूंगी। जो चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन जिनसे आते हैं, जो बहुत बेसिक्स आपका सेट करते हैं, वो सब चैप्टर्स आपको मैं पहले पढ़ाऊंगी एंड उन सब चैप्टर से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, तो वो सब आपको मेरी जो टेस्ट सीरीज में लॉन्च करने वाली उसमें मिलेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको 100,000 बुक्स नहीं चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए, आपको एक बुक और एक अच्छा टीचर चाहिए अगर आपको अपनी फिजिक्स इंप्रूव करनी है। तो मेरी फिजिक्स बहुत वीक होती थी एंड मैंने सिर्फ अपना एक या दो टीचर्स देखे जिनसे मैं
पढ़ती थी एंड उन्हीं को फॉलो करती थी। वो जो बोलते थे फिजिक्स में करने के लिए मैं वो सब करती थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी अच्छे से, उन सबको लिख के रखती थी। बहुत सारी बुक्स तो मैं यूज नहीं करती थी बिल्कुल भी, ऑब्वियसली। मैं क्या करती थी, सिर्फ प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज करती थी, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेती थी, जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक में है, टेस्ट मिस नहीं करती थी, जितने भी क्वेश्चंस होते थे सब लगाती थी और घर आके भी उनको एनालाइज करती थी। तो मैंने क्या किया था, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं यूज किए थे, सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज को बार बार सोल्व किया था। तो यही मैं आपको इस सीरीज में कराने वाली हूँ कि जो जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उन सबको हम सोल्व करेंगे बैठ के, और उनको ऐसे एक बार नहीं, जितनी बार हो सकेगा उतनी बार हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और हम ऐसे भी नहीं कि बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो हम पढ़ने वाले हैं। देन हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे जो कि बहुत ही ट्रेंड में है। मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे टॉपर्स के नोट्स खरीद रहे हैं, इधर से नोट्स खरीद रहे हैं, उधर से नोट्स खरीद रहे हैं। डू यू थिंक ये काम आएगा आपको आगे, आप कहीं की कहीं किसी के भी नोट्स ले लोगे वो सब काम आएंगे? नहीं, मैक्सिमम जगह वो नहीं काम आते हैं। एक दो पॉइंट्स मैं मानती हूँ कि ठीक है काम आते हैं, बट कभी भी आप किसी और के नोट्स से पूरा पूरा पढ़ के अच्छा स्कोर कभी नहीं कर सकते हैं। खुद के नोट्स बनाना सीखो यार, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स से पढ़ना सीखो। जितना जैसे हम खुद बनाते हैं उतना हमारे माइंड में वो रिटेन होती है चीजें, और फिर उससे हमारे क्या होते हैं कि हमें चीजें याद होने लग जाती है, अपने आप समझ भी आता। अब आपको क्या पता दूसरे जिसने नोट्स बनाए हैं, मान लेते टॉपर ने नोट्स बनाए, अब आपको क्या पता उसने किस माइंडसेट से वो नोट्स बनाए हैं, किस माइंडसेट से उसने वो लिखा है, तो क्या वो आपको माइंडसेट समझ आने वाला है? बिल्कुल नहीं समझ आएगा। तो इसलिए बोलती हूँ कि खुद के नोट्स बनाओ, उनसे आप ज्यादा बेटर पढ़ पाओगे। नोट्स कैसे बनाओगे, तो वही मैंने बोला कि अभी मैं जो सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ, अभी हम सीरीज के बारे में बात करते हैं। अब देखो उसमें ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स कवर किए उसमें अब क्या क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले कि मैं हर चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कवर कराऊंगी। नेक्स्ट आता है कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस लग सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, उतने क्वेश्चंस मैं आपको उसमें प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, सोल्यूशन देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट, आप इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि उसमें प्रीवियस ईयर मैं आपको लगवाऊंगी, कि आपको पता है मैक्सिमम पेपर जो होता है, मान लेते हैं कि 70% पेपर, 70 लिटरली आप मैच करके देख सकते हो जाके, 60-70% पेपर जो होता है वो प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट से ही रिपीट होता है। मैक्सिमम तो आपने देखे होंगे सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो इस पे भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी कि जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सेम एज इट इज रिपीट हुए हैं। तो 70% जो पेपर आपका आता है वो आपका प्रीवियस ईयर से ही आता है, तो जितने हो सके प्रीवियस ईयर लगा लो। मैंने भी अपने टाइम पे प्रीवियस ईयर ही मैक्सिमम लगाए थे। देन इसमें मैं आपको डेली डीपीपीज दूंगी जिसको आप खुद से सोल्व करोगे, एंड नेक्स्ट डे मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप मैच करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने नहीं है, एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, तभी आप फिजिक्स को अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। फिर इसमें नेक्स्ट चीज है कि मैं इसमें आपको नोट्स बनवाऊंगी, आप इसमें खुद से नोट्स बनवाना, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी अच्छे नोट्स जिससे मैंने खुद ने पढ़ा था और मेरी फिजिक्स इम्प्रूव हुई भी थी। मेरी लिटरली फिजिक्स अच्छी नहीं थी एंड मैंने एक साल में अपने फिजिक्स में बहुत इंप्रूवमेंट किया था। मेरे फर्स्ट ड्रॉप में लिटरली 40-50 नंबर ही आते थे फिजिक्स में, एंड नेक्स्ट सेकंड ड्रॉप तक मैंने अपने मार्क्स 150-160 तक पहुंचाए थे खुद ने, खुद से प्रैक्टिस करने। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, खुद से प्रैक्टिस करती थी, खुद से मैंने नोट्स बनाए, टीचर्स मैंने खुद से ढूंढे, किसी का कोई सजेशन नहीं था, कुछ मैंने खुद से किया एंड तब ये मार्क्स पहुंचे। तो उन सबके बेसिस पे आपको, सबके एनालिसिस पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो खुद उन नोट्स को बनाना अपनी नोटबुक में, ऐसे नहीं कि फोटोकॉपी करा ली एंड ऑल, नहीं, खुद से बनाना वो नोट्स फिर उनको पढ़ना। तो इस सीरीज में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। देन इस सीरीज में हम वो चैप्टर सबसे पहले कवर करेंगे जो कि चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है एंड जो कि हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जिनसे आप कम टाइम में पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आपके टेस्ट पेपर्स भी मैं इसमें प्रोवाइड कराऊंगी, जैसे लाइक 2 वीक्स में एक मैंने फिजिक्स का, मतलब कोई चैप्टर 2-3 चैप्टर हमने कवर किए, देन उसका मैंने क्या करा पूरे का एक कंबाइन करके टेस्ट पेपर तुमको दे दिया यूट्यूब के ऊपर ही। मैं आपको बताती रहूंगी टाइम टू टाइम, वो टेस्ट पेपर मैंने आपको दे दिया एंड आपने मुझे सोल्व करके दे दिया। नेक्स्ट डे मैं उसका सोल्यूशन आपको अपलोड कर दूंगी ताकि आप अपना देख सकते हो कि किस ट्रैक पे आप हो, कहाँ पे एनालिसिस है की जरूरत है, कहाँ पे नहीं है। एंड द लास्ट थिंग, आपको मेंटोरशिप फिजिक्स में मेंटोरशिप प्रोवाइड करूंगी कि आपको किस तरीके से सोल्व करना है, किस तरीके से नहीं सोल्व करना है। ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये सब चीजें आपको फिजिक्स की सीरीज में जो लॉन्च करने वाली हूँ, ये 2025 फिजिक्स बूस्टर सीरीज, वो सब आपको इस सीरीज में मिलेगा। तो इस सीरीज की हेल्प से आप अपनी फिजिक्स को इम्प्रूव कर सकते हो इजिली। एंड अगर जो जो मैंने आपको बोला है वो पॉइंट्स आपने अच्छे से फॉलो कर लिए, अच्छे से उसको कवर कर लिया, तो आप लिटरली फिजिक्स में 150-160 मार्क्स आराम से स्कोर कर ले जाओगे। तो बस आपको क्या नीड है, जो जो मैं बोलते जाऊंगी पूरे साल वो सब आपको कवर करना है। ये सीरीज जल्द ही शुरू करने वाली हूँ मैं आपको। अगर आपको अपनी फिजिक्स इम्प्रूव कर, तो प्लीज चेक द लेक्चर्स वंस, एंड कुछ लेक्चर्स मैंने आपको अपलोड भी किए हैं बेसिक्स वगैरह के, जाके उनको पहले देख लीजिए, उनके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए एंड फिर हम कॉल करते हैं। थैंक यू।